छात्रों, मैं आनंद प्रकाश राखेचा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको कंडेंसर्स के वर्गीकरण और कंडेंसर के एलिमेंट्स या उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताया था। कंडेंसर्स जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, जेट कंडेंसर्स और सरफेस कंडेंसर्स। जेट कंडेंसर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज मैं आपको सरफेस कंडेंसर्स के बारे में बताऊंगा। सरफेस कंडेंसर के अंदर भाप और पानी दोनों ही आपस में संपर्क में नहीं आते हैं, तो पानी और भाप दोनों ही अलग अलग रहते हैं। पानी ट्यूब के अंदर फ्लो होता है अथवा ट्यूब के बाहर फ्लो हो सकता है। अगर पानी ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है तो भाप ट्यूब के बाहर होगी, और पानी अगर ट्यूब के बाहर है तो भाप ट्यूब के अंदर प्रवाही होगी। एयर एक्सट्रैक्शन पंप की लोकेशन के आधार पर भी भाप का प्रवाह जो है वो निर्धारित होता है। तो भाप अगर ऊपर से फ्लो हो रही है तो डाउनवर्ड फ्लो टाइप कहलाएगा, अगर एयर एक्सट्रैक्शन पंप केंद्र में लगा हुआ सेंटर में तो सेंट्रल फ्लो टाइप कहलाएगा। एयर एक्सट्रैक्शन पंप अगर ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो ये अपवर्ड फ्लो टाइप एयर एक्सट्रैक्शन पंप कहलाएगा। और अंतिम प्रकार के जो सरफेस कंडेंसर्स होते हैं वो रीजनरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर्स होते हैं। तो सरफेस कंडेंसर के क्या लाभ है और क्या इसकी हानि है वो अपन जिसके बारे में बताता हूँ मैं। इसको लार्ज कैपेसिटी प्लांट्स, बड़े संयंत्रों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, उसमें उच्च निर्वात उत्पन्न किया जा सकता है। चूँकि कंडेंसेट वाटर और कूलिंग सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर दोनों आपस में संपर्क में नहीं आते हैं, इसलिए कंडेंसेट जो है वो अन्य इम्प्योरिटीज से जो है बिल्कुल अलग रहता है, और इसको बिना किसी ट्रीटमेंट के वापस इसको बॉयलर के अंदर भेजा जा सकता है। तो जहाँ पे इम्प्योर कूलिंग वाटर अवेलेबल होता है उसके लिए ये उपयुक्त होते हैं। एयर लीकेज जो होता है इसके अंदर कम होता है, इसलिए एयर एक्सट्रैक्शन पंप की जो है आवश्यकता जो होती है उसमें छोटे एक्सट्रैक्शन पंप की आवश्यकता होती है। डिजाइन इसकी जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा जगह भी घेरते हैं और बहुत मात्रा के अंदर इसमें सर्कुलेटिंग वाटर की आवश्यकता होती है। चित्र के अंदर एक तल ध्रवणित्र का चित्र बताया गया है, जिसमें सर्कुलेटिंग वाटर जो है कंडेंसर कक्ष में जो है नीचे की ओर से प्रवेश करता है। तो अक्ष के अनुदिश इसमें कई सारी ट्यूब्स जो है वो अरेंज की हुई होती है, और इन ट्यूब निचले ट्यूब के निचले हिस्से से जो है ये पानी जो है कंडेंसर के अंदर बहता है और घूमकर जो है दूसरा जो हेडर जो है इसमें से पानी जो है पुनः ऊपर वाली ट्यूब से बहता हुआ कंडेंसर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से सर्कुलेटिंग वाटर गर्म होने के पश्चात कूलिंग टावर के अंदर भेज दिया जाता है। कूलिंग टावर से पुनः जो है पानी ठंडा होकर एक पंप की सहायता से कंडेंसर के कक्ष में प्रवेश करता है। इस प्रकार कंडेंसर कक्ष में पानी जो भाप के दो बार संपर्क में आता है, इसलिए ये टू पास सरफेस कंडेंसर्स कहलाता है। यहाँ पे एयर एक्सट्रैक्शन पंप का भी उपयोग किया जाता है ताकि निर्वात बनाए रखा जा सके। तो निर्वात को बनाए रखने के लिए एयर एक्सट्रैक्शन पंप की जो स्थिति होती है उसके अनुसार ये डाउनवर्ड फ्लो टाइप, अपवर्ड फ्लो टाइप और सेंट्रली फ्लो टाइप कहलाता है। यहाँ पे एग्जॉस्ट स्टीम जो है टर्बाइन से जो है वो ऊपरी हिस्से से प्रवेश कर रही है। ये एग्जॉस्ट स्टीम जब ट्यूब के साथ में संपर्क में आती है तो पानी से ये ठंडी होकर जो है द्रवीकृत हो जाती है, और कंडेंसेट वाटर जो है कंडेंसर के निचले हिस्से के अंदर एकत्रित होता है, जहाँ से वाटर एक्सट्रैक्शन पंप की सहायता से या फीड पंप की सहायता से पुनः जो है बॉयलर के अंदर भेज दिया जाता है। इस प्रकार से ये कार्य करता रहता है। अब यहाँ पे जो एयर एक्सट्रैक्शन पंप की लोकेशन के आधार पर जो है डाउनवर्ड फ्लो प्रकार के, सेंट्रल फ्लो प्रकार के और अपवर्ड फ्लो प्रकार के सरफेस कंडेंसर्स कहलाते हैं। चित्र के अंदर जो है डाउनवर्ड फ्लो और सेंट्रल फ्लो प्रकार के कंडेंसर्स दिखाए गए हैं। तो इसका जो साइड व्यू का क्रॉस सेक्शनल साइड व्यू दिखाया गया है। स्टीम और एयर जो टर्बाइन से जो हमें प्राप्त होते हैं वो निर्वात के कारण कंडेंसर कक्ष में यहाँ पे ऊपरी हिस्से से ये प्रवेश कर रहे हैं, और ऊपरी हिस्से से जब ये कंडेंसर कक्ष में प्रवेश करते हैं तो इसके सबसे निचले हिस्से के अंदर आप देखेंगे कि इसमें एयर एक्सट्रैक्शन पंप जो लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैफल प्लेट का उपयोग किया जाता है ताकि एयर के साथ में जो है पानी जो है कंडेंसेट वाटर जो है एयर एक्सट्रैक्ट के साथ में नहीं चला जाए,
उसको रोकने के लिए। तो कंडेंसेट वाटर जो यहाँ पे नीचे की ओर इकट्ठा होता जाता है, इस प्रकार भाप का प्रवाह एयर एक्सट्रैक्शन पंप की सहायता से निर्धारित किया जाता है। तो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होती है, इसलिए इसको डाउनवर्ड फ्लो टाइप सरफेस कंडेंसर्स कहते हैं। दूसरे चित्र के अंदर यहाँ पे एयर एक्सट्रैक्शन पंप जो है इसके सेंटर के अंदर दर्शाया गया है। तो केंद्र के अंदर दर्शाने के कारण कंडेंसर चैम्बर के चारों ओर से भाप जो है वो केंद्र की ओर प्रवाहित होगी और कंडेंसेट वाटर गुरुत्व के कारण कंडेंसर के निचले हिस्से के अंदर एकत्रित होकर बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसको अपन सेंट्रली फ्लो टाइप ऑफ द सरफेस कंडेंसर्स कहते हैं। अगर ये एयर एक्सट्रैक्शन पंप कंडेंसर कक्ष के ऊपरी सिरे की ओर लगा दिया जाए और भाप जो है वो निचले हिस्से से प्रवेश करती है तो इसको अपन कहते हैं अपवर्ड फ्लो टाइप सरफेस कंडेंसर्स। अंतिम प्रकार के जो सरफेस कंडेंसर्स जो होते हैं रीजनरेटिव टाइप ऑफ द सरफेस कंडेंसर। रीजनरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर के अंदर कंडेंसर ट्यूब्स के अंदर पानी जाता है और फिर उसके ऊपर से भाप प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार पुनः रोक रोक कर एक बार भाप प्रवाहित की जाती है और एक बार पानी प्रवाहित किया जाता है, इसलिए इसको अपन रीजनरेटिव टाइप ऑफ सरफेस कंडेंसर्स कहते हैं। अंतिम प्रकार के जो सरफेस कंडेंसर्स जिसमें भाप ट्यूब के अंदर प्रवाहित होती है और पानी जो है वो ट्यूब के बाहर प्रवाहित होता है, इसको कहते हैं वाष्पनिक द्रवणित्र। वाष्पनिक द्रवणित्र जो इसमें चित्र के अंदर दिखाया गया है कि भाप जो है वो ट्यूब्स के अंदर ऊपर से प्रवेश करती है। यहाँ पे एक वॉल लगा रहता है, इस वॉल का जो खुलना बंद होना जो एक वाटर एक्सट्रैक्शन पंप की सहायता से निर्धारित किया जाता है। इस ट्यूब के साथ इन ट्यूब्स के ऊपर जो है वर्टिकली जो है वो पानी जो स्प्रे के रूप के अंदर एक पंप की सहायता से पानी भेजा जाता है। पानी की जो छोटी छोटी फुहारें जो हैं इन सारे ट्यूब्स के साथ में ऊपर से नीचे की ओर संपर्क में आती है, जिससे पानी जो है ऊष्मा ग्रहण कर लेता है और साथ में वाष्पीकृत भी हो जाता है। इन एवोपरेटिव कंडेंसर की दक्षता सबसे अधिक होती है, लेकिन इनको अपन छोटे प्लांट्स के लिए उपयोग में ले सकते हैं क्योंकि ट्यूब्स के अंदर जो है इसमें स्टीम फ्लो होती है। स्टीम जब ऊपर से फ्लो होते होते नीचे की ओर पहुंचती है तो ये द्रवीकृत हो जाती है और इस प्रकार से बॉयलर फीड पंप के अंदर की सहायता से बॉयलर के अंदर भेज दी जाती है। अब आपको जो है कंडेंसर से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हैं वैक्यूम के संबंध में, वैक्यूम एफिशिएंसी और कंडेंसर एफिशिएंसी के बारे में बताएंगे। जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है कि वायुमंडलीय दाब जो अपन नापते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, पारे की ऊंचाई के अंदर उसको बैरोमेट्रिक हाइट कहते हैं, और कंडेंसर के अंदर जो हम दाब नापते हैं वो कहलाएगा उसका कंडेंसर वैक्यूम। यहाँ पे दिखाया गया जो बैरोमेट्रिक हाइट जो दिखाई गई वो कंडेंसर के वैक्यूम को दर्शाता है। जब इसको अपन बैरोमेट्रिक हाइट के समय से घटा लेते हैं तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। तो वैक्यूम जो कहलाएगा वो बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम। कई बार अलग अलग जगह पे बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है अलग अलग होता है, तो इसको हम संशोधित भी कर सकते हैं क्योंकि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द बैरोमेट्रिक हाइट। जब इसको अपन संशोधित करते हैं तो 760 माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर इन मिलीमीटर ऑफ द मर्करी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें करेक्टेड वैक्यूम मिल जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि कंडेंसर के अंदर स्टीम और वायु दोनों ही मिश्रित रहती हैं, वायु की मात्रा कम से कम होनी चाहिए ताकि कंडेंसर के अंदर निर्वात बना रह सके। अगर वायु की मात्रा शून्य हो तो कंडेंसर का दाब जो होता है स्टीम दाब के बराबर एग्जॉस्ट प्रेशर के बराबर होगा। तो इस प्रकार कंडेंसर का जो दाब जो होगा वो भाप का आंशिक दाब और वायु का आंशिक दाब के बराबर होगा। जब हम मैक्सिमम वैक्यूम की बात करते हैं अधिकतम निर्वात कितना उत्पन्न किया जा सकता है, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर में से अगर स्टीम का एब्सोल्यूट प्रेशर हम घटा दें तो वो हमें अधिकतम निर्वात प्राप्त हो सकता है। तो कंडेंसर की जो वैक्यूम एफिशिएंसी जो है वो हम कैसे परिभाषित करते हैं कि वास्तव में कितना
निर्वात हमें प्राप्त हुआ है उसको अगर अपन मैक्सिमम पॉसिबल निर्वात से डिवाइड कर दें तो हमें वैक्यूम एफिशिएंसी प्राप्त होती है। तो एक्चुअल वैक्यूम डिवाइडेड बाय द बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर के अनुपात को हम वैक्यूम एफिशिएंसी कहते हैं। कंडेंसर के अंदर एक और परिभाषा अपन देते हैं, कंडेंसर एफिशिएंसी। कंडेंसर की दक्षता से मीनिंग ये होगा कि अपन अधिक से अधिक कितना पानी उष्मा जो है पानी ले जा सकता है और वास्तव के अंदर पानी कितनी उष्मा ले जा रहा है, इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, कंडेंसर एफिशिएंसी। तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर डिवाइडेड बाय द सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम कॉरस्पॉन्डिंग टू द एग्जॉस्ट प्रेशर ऑफ द स्टीम माइनस इनलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, कंडेंसर दक्षता कहते हैं। धन्यवाद।